ओप्पो ने पिछले दिनों अपने स्मार्टफोन ओप्पो रेनो A2 5G के लॉन्च की घोषणा की थी। कंपनी ने इस स्मार्टफोन के कई फीचर्स को भी पिछले दिनों टीज किया था। अब कंपनी अपने एक नए स्मार्टफोन ओप्पो A92s 5G को भी टीज कर रही है। ये दोनों ही स्मार्टफोन 13 अप्रैल को टीज किए जा सकते हैं। ओप्पो A92s 5G के टीज हुए पोस्टर के मुताबिक इसमें डुअल पंच होल डिस्प्ले फीचर का इस्तेमाल किया जाएगा। फ़ोन में 120 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट वाला डिस्प्ले दिया जा सकता है। कंपनी इन दोनों ही स्मार्टफोन के साथ 40 वॉट एयरबुक वायरलेस चार्जर भी 13 अप्रैल को लॉन्च कर सकती है। इस वायरलेस चार्जर को पिछले ही दिनों सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर टीज किया गया था। इस स्मार्टफोन के पोस्टर को कंपनी के आधिकारिक माइक्रो ब्लॉगिंग पोर्टल वीबो पर टीज किया गया है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन को MIIT सर्टिफिकेशन पर भी स्पॉट किया गया है। टीज हुए पोस्टर के मुताबिक इस स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट वाला डिस्प्ले दिया जा सकता है। MIIT सर्टिफिकेशन साइट पर हुई लिस्टिंग के मुताबिक ओप्पो A92s 5G में 6.57 इंच का LCD डिस्प्ले 120 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट के साथ दिया जा सकता है। फ़ोन में MediaTek Dimensity 800 5G SoC का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ये बात साफ है कि फ़ोन मिड रेंज प्राइस रेंज में लॉन्च हो सकता है। फ़ोन में 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 4000 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैग में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया जा सकता है। फ़ोन में सेल्फी के लिए डुअल पंच होल दिया जा सकता है, जिसमें 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया जा सकता है।